जी हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन और गाइज, आज की इस वीडियो में हम फिर से एडिट करेंगे एक और न्यूटन कैसो सिटी एक्स 9000 या फिर 8000 इन वालों के लिए स्पेशल रहेगी। सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने एक स्ट्रिंग टाइप टोन का रिव्यू किया था, तो आज हम उसी को एडिट करने वाले हैं। काफ़ी लोग इसे वाइनर स्ट्रिंग के नाम से भी एडिट कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी जिसको साउंड है गाइज, इसको आप मल्टी टाइप से भी यूज़ कर सकते हो। जो लोग सिंगल हैंड से प्ले करना चाहते हैं वो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग डबल हैंड यूज़ करना चाहते हैं वो इसको डबल भी एडिट कर सकते हैं। जिस प्रकार से गाइज मैं सिंगल हैंड यूज़ करता हूँ, तो मैंने लेयर करके इसको डबल कर दिया है, तो आप भी इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हो। दोनों का आपको स्टेप मैं बता दूंगा किस प्रकार से इसको एडिट करना है, इस वीडियो हम देखेंगे। पूरा ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप आप मिस मत करना। काफ़ी लोग कहते हैं कि उनका जो टोन है हमारी तरह एडिट नहीं होता, तो गाइज हो सकता है कि आप काफ़ी सारी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से नहीं देखते होंगे। अभी हमारा जो कीबोर्ड है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, तो आपके लिए मैं स्पेशली कीबोर्ड ऑफ कर रहा हूँ ताकि कोई भी इफेक्ट ऐसा ना हो कि आप लोगों से छूट जाए। तो अभी हमने कीबोर्ड ऑन कर लिया है। अभी जो कीबोर्ड होता है गाइज, जैसे हम ऑन करते हैं तो डिफॉल्ट मोड में होता है। देखिए, कोई भी इफेक्ट वगैरह कीबोर्ड के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप जिस टोन को एडिट करने वाले वो है आपकी 4-6-5। आप डायरेक्ट यहाँ से प्ले कीजिए। तो हम इफेक्ट बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन दिखा देता हूँ। थोड़ा सा गाइज इसका एक मिनट अभी काफ़ी रहेगी, थोड़ी सी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इतना काफ़ी रहेगा। ये थोड़ा सा और कर देता हूँ। अभी गाइज देखिए, हमारी स्क्रीन पे इस वक्त जो टोन है 465 नंबर वाली है, 70SYS स्ट्रिंग 2, कुछ इस प्रकार इसका जो साउंड है आता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हमारा कीबोर्ड है, कोई भी इफेक्ट हम इस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये वाली टोन एडिट करनी है। एडिट करने के लिए अब ध्यान रखिए, हमारी यहाँ पर देखिए सिंगल टोन है U1। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टोन ले रहा हूँ जो खुद मैंने एडिट की हुई है। मैं आपको डायरेक्ट पैरामीटर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये न लगे कि हमने अलग से टोन एडिट की। तो 865 नंबर में मेरी टोन जो है एडिट हुई है। तो आपने क्या करना है कि 465 वाली जो टोन है उसको आपने फंक्शनिंग मोड को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो मैं अपनी वाली टोन ले रहा हूँ, तो आपने सेम वैसे ही करना है। तो स्क्रीन पर आएगा अटैक टाइम, तो अटैक टाइम आपने देखिए 64 नंबर पर यहाँ से करना है। अगर आपका 64 है तो आप डिफॉल्ट एंड दीजिए। यहाँ से 3 नंबर प्रेस करेंगे, आता रिलीज टाइम 64 रहेगा। कट ऑफ आपने बढ़ा के यहाँ से 72 नंबर पे करना है। यहाँ से 3 नंबर प्रेस करेंगे, अभी आता है हमारा रेजोनेंस, इसको हम 69 नंबर पे रखेंगे। फिर से 3 नंबर से आगे आएंगे, यहाँ पर आता है वाइब रेटो, एंटर करेंगे 6 नंबर से, तो यहाँ पर आता है वाइब टाइप 3। तो आप इसको 3 नंबर पे यहाँ पर SAW रख सकते हो। यहाँ से 3 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है डेप्थ, तो अभी हमारा 70 नंबर पर है, तो आप इसको 70 कर लीजिए। अगर आपका कोई और नंबर पर आता है, मैं आपको सिर्फ मिलाने के लिए कह रहा हूँ गाइस। 3 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी आप इसको 72 नंबर पे रखिए इस प्रकार से। फिर से 3 बार प्रेस करेंगे, अभी हमारा डीले है, डीले भी हम यहाँ से 72 ही रखेंगे। आप इसका यूज कीजिए आगे पीछे करने के लिए। अब हमारा ये एडिट हो चुका है। 4 नंबर से एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर स्क्रीन में फिर से वाइब्रेटम आता है। 3 नंबर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर मिला लीजिए, ऑक्टेव स्वीप 0 रहेगा, वॉल्यूम हमारा 100 नंबर पर रहेगा, वेलोसिटी 63 डिफॉल्ट रहेगा, रिवर्ब साइंड आपने बढ़ा के 79 नंबर पर करना है। यहाँ से इस तरीके से 79 ऐसे। फिर 3 नंबर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है कोरस एंड, 99 नंबर पे रखेंगे कोरस एंड। आगे करेंगे, यहाँ पर आता है डीले, डीले हमने यहाँ पर 61 नंबर पे रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एग्जिट करेंगे फिर से यस, फिर से यस। तो अभी आपका जो टोन है कुछ इस प्रकार का जो टोन है आपका बन जाएगा। अभी गाइस जो हमारा टोन बना है ये आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में किया था TRDH में। जो लोग सिंगल या डबल
एक साथ प्ले करते हैं। आप लोगों के लिए सिंगल टोन भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, आप चाहो तो इस प्रकार से इसको तो इसमें गाइज जो लोग इसको सिंगल या डबल हैंड यूज करते हैं तो आप इस तरीके से इसको डिफॉल्ट जो भी हमने एडिट किया है सेम इसी तरीके से इसको एडिट कीजिए। आपका एक टोन बन चुका है। अगर आप इस टोन को अलग तरीके से यूज करना चाहते हो तो जैसे हमने थर्ड और बैंक में ये देखिए अब इसमें हमने क्या किया गाइज कि इसको डबल लेयर कर दिया, जिसके कारण अगर हम दो हाथ से प्ले करते हैं तो इस वक्त हम सेम चीज़ एक हाथ से भी प्ले करते हैं सेम साउंड आपको आएगा, जिस प्रकार से हमने इसको पहले सिंगल प्ले किया था तो आप इसको सिंगल यूज करते हो 865 नंबर पे। अब हम अपनी स्ट्रिंग एडिट करने वाले हैं जो कि हमने अपने तरीके से एडिट किया। इसमें क्या होगा कि अगर आप कहीं पर बीट प्ले कर रहे हो तो आपको ये सिंगल हाथ से भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, दोनों का साउंड एक साथ आएगा, इस ऑक्टेव का भी इस ऑक्टेव का भी। इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। तो सबसे पहले तो आपने टोन ले ली, अब देखने आपने सबसे पहले ऐसा बैंक लेना है जिसमें आपको ये वाली टोन सेव करनी है परमानेंट। तो आपने सबसे पहले वही बैंक लेना है, जैसे मेरा एक नंबर का बैंक है, सेकेंड नंबर मेरा टोन है, तो आपने सेम तरीके से कोई ना कोई ऐसा बैंक लेना है। बैंक आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो कि कैसे आगे पीछे करना है, ये देखिए यहाँ से बैक बनवाएंगे आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपका 11 नंबर बैंक खाली है, फिर आपका कोई भी बैंक खाली है तो आप उस पर जाइए, बस आपने इस प्रकार से बैंक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वो नंबर देखना है जहाँ पर आपको टोन सेव करना है। तो जैसे मेरा 2 नंबर है तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी टोन सेव है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 नंबर प्रेस कर लिया, तो जो भी टोन आपको डिफॉल्ट आएगी उसकी जगह आपने 865 ही लिखना है। इस तरीके से जैसे मैंने लिख लिया 865, तो अभी मेरा यहाँ पर ब्लिंक भी कर रहा है, यहाँ पर 865 भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर U1 है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर हमारा यहाँ पर U1 है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ आप हर टोन के साथ भी कर सकते हो। लेयर के बटन को प्रेस किया तो स्क्रीन पे आएगा 223 नंबर वाला टोन आता है, आपने फिर से यहाँ पर 865 ही लिखना है U1 U2। इसमें क्यों हुआ कि अब हम जब लेयर करते हैं तो लेयर में क्या होता है कि एक ही टोन दो बार आ जाती है, जैसे यहाँ से सा है तो यहाँ से भी सेम, मतलब एक ही टोन दो बार आ चुकी है, अब दोनों टोन का साउंड एक साथ आएगा। अब हमने क्या किया था कि जब हम किसी चीज़ को डबल प्ले करते हैं तो एक ऑक्टेव हमारा यहाँ से प्ले होता है, एक यहाँ से प्ले होता है। अब ये वाला साउंड थोड़ा हाई रहेगा, ये वाला थोड़ा मीडियम रहता है, इसमें बेस होता है, इसमें बेस नहीं होता, इसमें तीखापन होता है। तो अब जब हम इसको एडिट करते हैं लेयर में, तो लेयर में इस वक्त जो साउंड है यहाँ का यहाँ ही आ रहा है, ये वाला यहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ये वाला साउंड यहाँ पर लेके आएंगे। तो किस प्रकार से लेके आएंगे, उसका ऑक्टेव हम माइनस करेंगे, यानी जो हमने टोन लेयर की उसका या तो हम ऑक्टेव प्लस कर लेंगे या माइनस कर देंगे, दोनों में से एक का करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपने ये वाली टोन लेयर कर दी, अब यहाँ पर ऑक्टेव का बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो मेरा जो U1 टोन है वो तो मेरा डिफॉल्ट ऑक्टेव पे है जो कि हमने मेन लेयर पे लिया हुआ है। जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑक्टेव हमने माइनस कर दिया। अब माइनस में क्या हुआ कि जो बेस वाला ऑक्टेव था वो आगे आ चुका है। माइनस से क्या होता है कि पीछे वाली चीज़ आगे आती है, प्लस में आगे वाली चीज़ पीछे आ जाती है, तीखापन आता है, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, जिसके कारण हमारा जो ये वाला ऑक्टेव था यहाँ पर ये वाला ऑक्टेव यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी बेस वाला यहाँ पर चला गया। तो अभी वाला जो यहाँ पर पहले साउंड आ रहा था डबल हाथ में जब हम प्ले करते एक साथ, तो इसका जो साउंड है अब यहाँ पर भी सेम तरीके से प्ले होगा, एक ही उंगली से दोनों साउंड एक साथ आ रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो ऑक्टेव वाला सिस्टम है हो चुका है एडिट। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेव करने के लिए आपने स्टोर प्लस 2 नंबर एक साथ प्रेस करना है, तो आपका जो टोन है सेव हो जाएगा और ये परमानेंट रहेगा। जब भी आप इस बैंक के इस नंबर पे जाओगे तो आपका जो टोन है आपको सेम वैसे ही मिलेगा जैसे अभी हमने एडिट किया। इसके बाद देखिए गाइज आप एग्जिट कर सकते हो, जैसे हमारा ये इतना टोन बन चुका है। अब आप एक बार मिक्सर में जाइए लॉन्ग प्रेस करके, मिक्सर में ध्यान रहे कि जब भी आप एडिट करो तो यहाँ पर मिक्सर और कीबोर्ड एक साथ लिखा हो तो यहाँ पर पार्ट होना था, दो नंबर प्रेस करेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम आपने मिलानी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो वॉल्यूम हमारा जो फर्स्ट नंबर का है वो 127, सेकंड जो हमने बेस वाला लेयर को माइनस किया था उसका वॉल्यूम आपने कम रखना है 88 नंबर पे, ताकि आपका टोन फटे ना, अगर काफ़ी बड़े बेस वाले स्पीकर लगे तो टोन फट जाता है।
इस तरीके से आपने इसका जो वॉल्यूम है सेकंड नंबर का, ये देखिए एक नंबर से एक नंबर में जाते हैं ब्लिंक होता है, तीन नंबर से आगे जाते हैं तो सेकंड नंबर ब्लिंक होता है, थर्ड नंबर ब्लिंक होता है, फोर्थ ब्लिंक होता है। पहला टोन हमारा यू वन होता है, सेकंड हमारा यू टू, एल वन और एल टू चार नंबर पे। तो इस तरीके से हम जो सेकंड वन सेकंड नंबर टोन है उसका वॉल्यूम जो है 88 नंबर पर रखेंगे। अगर आप कोई कोड लगाते हो, जैसे स्प्लिट करके कोड लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर आप सेकंड कोड लगाना चाहते हैं, यानी कोड में भी दो लेयर होती है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए तो आपका फोर्थ नंबर का कोड का यहाँ पर वॉल्यूम आ जाता है, तो आप उसको भी एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा जो वॉल्यूम है हो चुका है, फर्स्ट नंबर का वॉल्यूम हमने 127, सेकंड का 88 रख लिया है। तो इसके बाद आपने फिर से इसको स्टोर प्लस टू नंबर पे प्रेस करना है। तो अब आपका जो टोन है परमानेंट सेव हो चुका है, आप इसको कभी भी सेम तरीके से प्ले कर सकते हो, चाहे आप कीबोर्ड ऑफ कीजिए या ना कीजिए। तो इस तरीके से हमने जो गाइस आज की जो टोन है एडिट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आपको किसी और प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तथा काफ़ी सारे जो लोग हैं गाइस कमेंट करते हैं टोन के, तो मैं सबके टोन सुनता हूँ। कई बार ऐसा होता है गाइस कि कुछ टोन के जो इफेक्ट हमें नहीं मिलते, इस वजह से उसका जो टाइमिंग है लेट हो जाता है। तो ऐसा ना सोचे कि आपके लिए कोई आपका कमेंट नहीं पड़ता। गाइस हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ, वो अलग बात है कि रिप्लाई नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी पढ़ता जरूर हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके उसका जो बेल आइकन है वो भी ऑन कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।